आई भाई देखा जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीन बजाती हुई नागिन। सर्कुलेटरी सिस्टम के इस एपिसोड में आज पेश है आपके सामने ब्लड ग्रुप। आप अक्सर सुनते हैं रेडियो में, क्या सुनते हैं पर मैं लाइव सुनाता हूँ। स्थानीय अस्पताल में एक व्यक्ति को ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप की तुरंत आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति फला नंबर पर संपर्क करें। तो वो जो ओ निगेटिव वाला आदमी है, अगर आपको मान लीजिए ब्लड डोनेट करना है, तो क्या आप डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बात ये ब्लड ग्रुप तय करता है। तो आज की क्लास में अगर आप ये बात सीख गए कि आप किसे ब्लड दे सकते हैं या किससे ब्लड ले सकते हैं, तो ये क्लास सफल होगी और हम लोगों का जीवन भी सफल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुप के इस एपिसोड को। इस एपिसोड की शुरुआत सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर से करते हैं। आइए देखिए कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। ये देखिए, ब्लड ग्रुप की जैसे ही चर्चा आती है इस दुनिया में, ये देखिए सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 में, मतलब 1900 में इन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। 1900 में, मतलब अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। सबसे पहले इन्होंने ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। अब आपसे पूछेगा कोई कौन कौन सा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, ए बी एंड ओ। 1900 में इन्होंने तीन ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, ए किया था, बी किया था, ओ किया था। तीन ब्लड ग्रुप इन्होंने डिस्कवर किया था 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर इन्हीं के स्टूडेंट थे, इनका नाम डिकास्टलो था। ये देखिए डिकास्टलो है और एक दूसरे इनके मित्र हैं, इनका नाम स्टर्ली है। डिकास्टलो और स्टर्ली ने 1905 में, ये देखिए 5 साल बाद, डिस्कवर्ड ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब डिस्कवर्ड ए बी ब्लड ग्रुप डिकास्टलो और स्टर्ली ने 1905 में ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। मतलब आपको याद करना है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया, डिकास्टलो और स्टर्ली ने 1905 में ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। फिर आप देखें एक तीसरी हिस्ट्री, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम बर्नस्टीन है, बर्नस्टीन मेली यही है, और एक साइंटिस्ट है हेलिक्स। ये लोगों ने 1907 में, मतलब 1907 में एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। आप जो पढ़ते हैं कि माँ बाप इस ब्लड ग्रुप के हैं, तो बच्चा किस ब्लड ग्रुप का, तो एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है उसे हेलिक्स ने एक्सप्लेन किया, बर्नस्टीन और हेलिक्स ने एक्सप्लेन किया। ये तीसरी बात। फिर देखिए इसी कार्ल लैंडस्टीनर, जिनका नाम आपने देखा पहले, कार्ल लैंडस्टीनर ने एंड फिलिप बीनर ने, एक साइंटिस्ट है इनका नाम फिलिप बीनर नाम है। ये सब हिस्ट्री है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर एंड फिलिप बीनर ने 1909 में डिस्कवर्ड आरएच एंटीजन इन मकाका रेसस मंकी। इतनी चार लाइन की ये डिस्कवरी की हिस्ट्री है ब्लड ग्रुप के। तो क्या क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया ए बी और ओ। एक्चुअली उन्होंने ए बी और सी खोजा था, बाद में उन्होंने उसको सी को ओ बना दिया। डिकास्टलो और स्टर्लिन ने ए बी ब्लड ग्रुप खोजा, और ये देखिए बर्नस्टीन और हेलिक्स ने इसके इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। कार्ल लैंडस्टीनर और फिलिप बीनर ने डिस्कवर किया कौन सा ब्लड ग्रुप, आर एच एंटीजन इन रेसस मंकी में। इसके सिवा ए बी ओ के बाद आजकल एक ब्लड ग्रुप और आप पढ़ने को मिलेगा आपको। मान लीजिए कहीं आपने सुन लिया आपको नहीं आता है, तो ये दिक्कत आपको खत्म कर दूं। एक ब्लड ग्रुप होता है जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं,
ये बॉम्बे के मतलब मुंबई के कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। ये ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? एक ब्लड ग्रुप है यम ब्लड ग्रुप है, एक है एन ब्लड ग्रुप, तीसरा है एमएन ब्लड ग्रुप। ये देखिए, ये अलग से तीन तरह के ब्लड ग्रुप है। करेंटली ह्यूमन में इस समय पूरी दुनिया में लगभग 400 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जो रिसर्च के विषय है, जिसको हमसे कोई चीज से कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। तो अगर आप ब्लड ग्रुप देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे आप एक टेबल बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप के कितने टाइप हो सकते हैं, यही बात हम लोगों को सीखनी है। ये देखिए, किस आधार पे? एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जो एंटीजन है, ये एंटीजन जो होते हैं इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। या एंटीजन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप इस बात को ऐसे कर ले, यहां लिखे एंटीबॉडी, ऐसे लिखे यहां एंटीबॉडी, और यहां लिखे जनरेटर। तो एंटीबॉडी जनरेटर अगर आप देखें तो यहां से आप एंटी ले लें, ऐसे लिख लें सर ये एंटी है, और जेन यहां से ले लें तो क्या हो गया, एंटीजन हो गया। तो एंटीजन वो है जिनके कारण हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का जनरेशन होता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। तो एंटीजन वो है जिसके खिलाफ जो आता है हमारी बॉडी में या पहले से प्रेजेंट है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर ये एंटीजन है कहां पर? ये देखिए, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। हम ब्लड ग्रुप को जो एक्सप्लेन करते हैं वो सिर्फ आरबीसी के एंटीजन के आधार पर करते हैं। आपको सबसे पहले ये याद करना है कि मान लीजिए हमारी ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो इस आरबीसी पे दो तरह के एंटीजन हो सकते हैं, एक ए हो सकता है और बी हो सकता है, मैक्सिमम दो एंटीजन हो सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। तो अगर आप देखें मैक्सिमम कितने एंटीजन है हमारे पास, ह्यूमन के पास दो तरह के एंटीजन है। ये देखिए, एक एंटीजन ए है, दूसरा बी है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सरफेस पे पड़ा होता है। दूसरा देखिए एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी के बारे में आप देखें, एंटीबॉडी के बारे में अगर आप देखें तो एंटीबॉडी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट, फॉर्म बाय बी लिम्फोसाइट, इनका फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट करती है, बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में करती है। पहली लाइन आपने ये लिख दिया। दूसरा, ये वाई शेप्ड होती हैं, वाई शेप्ड होती हैं। अगर आपको फिगर बनाना है तो ऐसे आप बना लीजिए, ये भी आपको याद हो जाए। एंटीबॉडी जो होती है ऐसे दो होती हैं, एक एंटीबॉडी दो एंटीजेंस को बाइंड कर सकती है। कितने एंटीजेंस को बाइंड कर सकती है? दो एंटीजेंस को बाइंड कर सकती है। एक एंटीजन यहां बाइंड करती है, दूसरी यहां। इसे हम लोग हैवी चेन कहते हैं, इसे लाइट चेन कहते हैं। इसका फार्मूला H2L2 होता है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन, वाई शेप दिखाई पड़ती है। और अगर आपसे पूछो कहां पर होती है तो आप कहेंगे सर बहुत आसान सी बात है, प्रेजेंट इन एंटीबॉडी। ये एंटीजेंस जो एंटीबॉडी होती है प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब जो एंटीबॉडी होती है वो ब्लड के प्लाज्मा में पड़ी होती है। तो आपको कंफर्म करना है कि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होता है, एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में होती है। एंटीजन उसे कहते हैं जिसके आने से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और एंटीबॉडी कैसी है? एक खास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है जिनका फॉर्मेशन, एक खास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है जिनका फॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट का करता है। तो मैक्सिमम एंटीजन कितने हैं हमारे ब्लड ग्रुप में? अगर हम ए बी ओ के आधार पर देखें, तीन तरह के, दो तरह के एंटीजन, एक एंटीजन ए है, दूसरा एंटीजन बी है, सिर्फ दो एंटीजन है।
तो हो सकता है कि एक एंटीजन किसी आरबीसी सरफेस पे हो, किसी आरबीसी सरफेस पे बी एंटीजन हो, किसी आरबीसी सरफेस पे दोनों एंटीजन हो, किसी आरबीसी सरफेस पे कोई एंटीजन ना हो, यही हो सकता है ना भाई। भाई चार लोग हैं, एक आदमी के ऊपर एंटीजन ए है, एक के ऊपर बी है, एक के ऊपर दोनों है, एक के ऊपर कोई नहीं है, यही आधार है। तो अब आपको इस एंटीजन और एंटीबॉडी का मैंने बेसिक से एक्सप्लेनेशन किया कि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे बढ़े हैं और एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में पड़ी हुई है। इन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी लिम्फोसाइट कर रही है। इन्हीं एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप के चार टाइप एक्सप्लेन किए गए हैं। इन एंटीजन का डिटर्मिनेशन कौन तय करता है, इसे जीन्स तय करते हैं, कौन से जीन्स कैसे तय करते हैं, कैसे जीन्स तय करते हैं, ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अगले इस वीडियो में। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंटीजेंस कैसे कहाँ पे पड़े हैं, एंटीबॉडीज कहाँ पर पड़ी हैं, एंटीजेंस एंटीबॉडी के आधार पर कैसे ब्लड ग्रुप पर डिटर्मिनेशन होता है, आइए देखा जाए। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में बना हुआ है उसी चार्ट को हम लोग बोर्ड भी बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने लिखा कि सर ये ब्लड ग्रुप है, हमने कहा अच्छा भाई ब्लड ग्रुप है। आपने कहा सर ब्लड ग्रुप अगर है तो सबसे पहले एक काम करिए, इसके चारों के नाम लिख दीजिए। हमने कहा चलो भाई, हमने ब्लड ग्रुप के चारों के नाम लिख दिए। ये पहला ब्लड ग्रुप ए है, आपने इससे टेबल बना दी। ये दूसरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका भी आपने टेबल बना दिया। ये तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका भी आपने टेबल बना दिया। चौथा ब्लड ग्रुप ओ है, ये आपने टेबल लॉक कर दिया। अब ये देखिए आपके सामने चार तरह के ब्लड ग्रुप हैं, मतलब चार तरह के ब्लड ग्रुप हैं। इन ब्लड ग्रुप्स को हम लोग आरबीसी के आधार पर ही डिटरमाइन करते हैं। अब चार तरह के ब्लड ग्रुप को किसे ए कहेंगे, किसे बी कहेंगे, किसे ए बी कहेंगे और किसे ओ कहेंगे, ये आप देखिए। तो अगर आप एंटीजन्स देखते हैं, एंटीजन्स यहाँ देखिए लिखा है एनसीईआरटी में, अगर आप देखेंगे तो एंटीजन्स लिखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंटीजन्स कहाँ पर पड़े हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो एंटीजन्स हैं ये सरफेस ऑफ आरबीसी पे है, मतलब ये जो आप ब्लड ग्रुप देख रहे हैं इन सारे ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन्स पड़े हुए हैं, यही मतलब हुआ। एंटीजन्स मैक्सिमम कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं, एक एंटीजन और एक बी एंटीजन है। तो अगर आप देखें ए ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर, ये मान लीजिए आपको अगर यहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप इसे यहाँ आरबीसी लिख लीजिए, इस आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, चाहे आप इसे स्मॉल लेटर्स लिखें चाहे कैपिटल लेटर्स लिखें, जो आपका मन कहे। तो आपने लिखा सर इसके पास ए एंटीजन है, मतलब अगर कोई आरबीसी है उसकी सरफेस पे ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, सिंपल सी बात है। अब अगर उसके पास ए एंटीजन है आरबीसी के पास, तो उसके पास ए एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबर वालों से की जाती है। अगर इस आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है तो इसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, अगर आप देखें इस बात को तो एंटीबॉडी यहां लिख लीजिए। एंटीबॉडी अगर आपको लिखना है तो ये एंटीबॉडी कहाँ पे है, ब्लड के प्लाज्मा में है। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि अगर इसके पास ए एंटीजन है तो इस ब्लड के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर ए एंटीबॉडी होगी तो वह इस आरबीसी को कैप्चर एंड किल कर देगी, पहचान लेगी। ऐसी बात को आप ऐसे बना के देख सकते हैं कि ये देखिए ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ये आरबीसी है, इस पर आरबीसी सरफेस पे ए एंटीजन है तो इसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर ये एंटीबॉडी होगी तो ये इस आरबीसी को किल कर देगी। एंटीबॉडी जो उल्टा हो, एंटी हो, तो ए का उल्टा क्या होगा, अगर आप देखें तो इसके ब्लड के प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है। तो कितना सटीक है कि ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी के पास ए एंटीजन है और उसके ब्लड प्लाज्मा के पास बी एंटीबॉडी है। बी एंटीबॉडी मतलब क्या हुआ, बी एंटीबॉडी कैसे मारेगी, बी ब्लड ग्रुप वाले को मारेगी, कैसे, दूसरा देखिए बी ब्लड ग्रुप है तो इसकी ये आरबीसी है, ये देखिए ये आरबीसी है तो इसकी सरफेस पे आपको बी एंटीजन मिलेगा, चाहे आप इसे कैपिटल में लिख लें बी चाहे स्मॉल में लिख लें, इसकी सरफेस पे बी एंटीजन मिलेगा। तो जब बी एंटीजन इसकी सरफेस पे मिलेगा तो एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी आप शब्द खुद कह रहे हैं कि एंटीबॉडी है, तो आपने कहा सर इसके पास ए एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी किस एंटीजन को मारेगी, ए एंटीजन को मारेगी। अगर इस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एंटीजन तो मारेगा नहीं, उसे एंटीबॉडी मारेगी। तो अगर आप इसको एंटीबॉडी ब्लड चढ़ाते हैं बी को, ए ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं तो ए के सरफेस पर कौन सा एंटीजन है, ए, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए, ये इस ए ब्लड ग्रुप वाले को मार देगी। इसी तरह से ए बी का मतलब ये हुआ कि ये देखिए ये आरबीसी है और ए बी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो एंटीजन है, एक ए है और दूसरा बी है।
तो इसका मतलब ए और बी के खिलाफ इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, मतलब इसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है। ये ऐसी चीज है कि आप इसे किसी को भी दे देंगे, एंटीबॉडी है ही नहीं, कोई भी एंटीजन आएगा इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो कोई भी एंटीजन का रिस्पेक्ट क्या है, कोई भी एंटीजन के पास अपने पास एंटीजन है कि नहीं, दो ही तो है, ए और बी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ किस व्यक्ति को वायरस बैक्टीरिया फंजाई अटैक करेंगे ये, इसको कुछ होगा नहीं। यहाँ नील का मतलब है, अब्सेंट का मतलब यह है कि इस एबी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी दो नहीं है। कौन कौन सी एंटीबॉडी नहीं है, ए और बी एंटीबॉडी नहीं है, दो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है। तीसरा देखिए ओ ब्लड ग्रुप, अगर आप ओ ब्लड ग्रुप देखते हैं तो इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे सर एंटीजन क्या है, नील है। तो जब यहां एंटीजन नहीं है तो यहां एंटीबॉडी देखिए दो है, ए और बी एंटीजन एंटीबॉडी है। अब इसके पास दो एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है, इसके पास क्या है, एंटीजन से एंटीबॉडी नहीं है। अब कितना सही है, जिसके पास दोनों एंटीजन है कोई एंटीबॉडी नहीं हो ए बी ब्लड ग्रुप है, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है दो एंटीबॉडी हो ओ ब्लड ग्रुप है। कितनी अच्छी बात है, सोचिए नेचर ने कैसे सेलेक्ट किया होगा। सोचिए अगर सोचिए यहाँ पर दो एंटीजन है ए बी है इसकी सरफेस पे, अगर यहाँ ए और बी में कोई भी एंटीबॉडी होती तो ये सी या बी सी को मार देती। यहाँ पर देखिए कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ ए बी ब्लड दोनों एंटीबॉडी है, ये दोनों एंटीबॉडी है, अगर इसकी सरफेस पे एक भी एंटीजन लगा दे, मान लेते हम इसकी सरफेस पे ए एंटीजन लगा दिए, तो ए लगा दिए तो ये एंटीबॉडी ये इसको मार देगी। इसलिए नेचर ने इस तरह का सिलेक्शन किया है कि जहां पर ए एंटीजन है वहां बी एंटीबॉडी है, जहां पर बी एंटीजन है वहां ए एंटीबॉडी है, जहां पर ए बी एंटीजन है वहां कोई एंटीबॉडी नहीं है, जहां कोई एंटीजन नहीं वहां दोनों एंटीबॉडी है। कितना गजब का रिस्पेक्ट है। अब देखिए ये किसको डोनेट कर सकते हैं, अगर आप देखिए तो ये अगर आप टेबल बढ़ाते जाए, ऐसे टेबल बढ़ा दें तो आप इस पर दो टेबल बना सकते हैं। कैसे, पहले बना सकते हैं कि कैन डोनेट, ये किसे दे सकते हैं, कैन डोनेट ये दे सकते किसे है, पहला टेबल हो गया। और दूसरा टेबल हो गया कैन रिसीव, कहां से ब्लड ले सकते हैं, कैन डोनेट और कैन रिसीव दो स्थितियां हैं, एक ले सकते हैं और दूसरा दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं किसको ले दे सकते हैं, अब आप खुद तय कर लें। अगर मैं इसको यहां से साफ कर दूं, ये ऐसे यहां मिटा दिया जाए आपको कंफर्म करने के लिए, तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये किसको किसको दे सकते हैं। ये देखिए ओ किसको किसको दे सकता है, अगर आप ओ को देखें तो ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है। आप अगर ओ को, एक तो ओ को दे सकते हैं, सेम को डोनेट कर रहे हैं, ओ को आप ए को दे सकते हैं। अगर आपने ओ को ए को दिया तब आपको, जब आप ए को देंगे तो एंटीजन देखेंगे एंटीबॉडी देखेंगे, तो आप कहें सर एंटीबॉडी देखेंगे क्योंकि अगर इसकी सरफेस पर एंटीजन होता तो ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी है। अगर इसके ऊपर बी एंटीबॉडी होती, बी एंटीजन होता तो ये बी एंटीबॉडी एक्टिवेट होकर इसको मार देती, इसलिए आप बी को दे सकते हैं। आप बी को दे सकते हैं, बी के पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए है, यहाँ पर एंटीजन ए नहीं इसलिए आराम से ले सकता है। ए बी को दे सकते हैं, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं तो किसी भी ले सकता है, तो ये दे सकता है। लेकिन ले किससे ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है, केवल ओ से ले सकता है। क्यों ले सकता है ओ से, बताइए, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, दोनों एंटीबॉडी है। अगर ये ए से लेगा तो इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए है, यहाँ एंटीबॉडी बन जाएगी, इससे लेगा तो यहाँ बी एंटीबॉडी बन जाएगी, इससे लेगा दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि इसके पास अगर आप देखें तो ओ को, जो ओ है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं क्यों कहा जाता है तो आप कहेंगे सर इसका एकमात्र कारण है कि इट हैज नो एंटीजन, इट हैज नो एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, इसके आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, इसलिए किसी को भी आराम से ब्लड दे सकता है, ये मतलब हुआ इसका ओ जो है। तो अगर आपको ये बात समझना है तो अब क्या हुआ, अगर आप देखें तो यूनिवर्सल डोनर है, इट हैज नो एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, इसलिए सबको दे सकता है। अगर आप ए बी को देखें तो ए बी जो है किसको दे सकता है, एक तो ए बी को दे सकता है, बोलिए हाँ बात सही है सर। और ए बी किसको दे सकता है, ए बी के पास दोनों एंटीजेंस है, ए बी के पास दोनों एंटीजेंस है। अगर ए बी ए को देगा तो बी एंटीबॉडी बन जाएगी,
बी को देगा तो एंटीबॉडी बन जाएगी, और ये अगर ए बी को देगा, मान लीजिए ए बी ओ को देगा तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी है तभी बन जाएगी। इसका मतलब ए बी केवल ए बी को दे सकता है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इसलिए ये ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों कहते हैं, तो आपके पास जवाब क्या है? क्या ये जवाब है कि इसके पास दोनों एंटीजेंस है? नहीं। क्या ये जवाब है क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है? जी हाँ, इट हैज नो एंटीबॉडी, इट हैज नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट ए एंड बी एंटीजन। मैंने बार बार कहा कि इसके पास और भी एंटीबॉडीज है, बस ए और बी एंटीजन के पास एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये ए बी को दे सकता है, ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। इसी तरह से अगर आप ए को देखें तो एक तो ए को दे सकता है बिल्कुल, क्योंकि इसकी सरफेस पे भाई ए तो ए को दे ही सकता है, और किसको दे सकता है? अगर आप देखें तो ए जो है ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। दूसरा ले किससे सकता है? एक तो ए से ले सकता है, दूसरा ओ से ले सकता है, ए से ले सकता है इसलिए क्योंकि भाई ये तो सगा ही है, ओ से इसलिए सकता है क्योंकि इसके सरफेस पर कोई एंटीजन ही नहीं है। जब इसके पास एंटीजन नहीं है तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये किसे किसे ले सकता है? ये एक तो ले सकता है ए से, और दूसरा ले सकता है किससे? ओ से। तीसरा देखिए, अगर आप देखें तो क्या जो ए ब्लड ग्रुप और ये बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, इसके पास बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन यहां भी ये बी से नहीं, ए से नहीं ले सकता ये ना भाई? कैन रिसीव, एक तो ए ले सकता है, सॉरी ये बी वाला है ना, तो आप यहां ले सकते हैं सर ये बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। यहां पर देखें ये किससे ले सकता है? कैन डोनेट, एक तो ये ए को दे सकता है, दूसरा ये ए बी को दे सकता है। एक ए को इसलिए दे सकता है भाई वो तो सेम है, और ए बी को इसलिए दे सकता है कि ए बी के ऊपर किसी भी एंटीबॉडी है ही नहीं इसके ब्लड के प्लाज्मा में। इसी तरह के ले किससे सकता है? एक तो ये ए से ले सकता है, दूसरा ओ से ले सकता है। ओ से लिए इसलिए ले सकता है कि ओ को आपने यूनिवर्सल डोनर कहा ही है। तो ये ब्लड ग्रुप है जो किसके आधार पर देखा जाता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर देखा जाता है। आपकी एनसीईआरटी ने इसी ग्रुप को डोनर्स ग्रुप कहा है, एनसीईआरटी ने इसे लिखा है डोनर ग्रुप, मतलब डोनर ग्रुप कौन किसे दे सकता है। एनसीईआरटी में एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। इस तरह से अगर आप देखें, इस तरह से अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप को ऐसे ही ऐड किया जा सकता है। ब्लड ग्रुप को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, जिसके पास ए एंटीजन उसके पास बी एंटीबॉडी है, जिसके पास बी एंटीजन उसके पास ए एंटीबॉडी है, जिसके पास दोनों एंटीजन उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, जिसके पास कोई एंटीबॉडी एंटीजन है उसके पास दोनों एंटीबॉडी है। इस तरह से आप देखें तो चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं? चार तरह के। कौन किसे दे सकता है, कौन किसे ले सकता है, इस आधार पर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के चार टाइप दिख रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये देखिए, अगर आप यहीं पर आर एच एंटीजन को भी पढ़ लें या आर एच एंटीजन को भी पढ़ लें, यहीं पर तुरंत देख लें तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टेबल एक साथ बनी हुई है। ये देखिए आर एच एंटीजन, अभी तक आपके एंटीजन टोटल मैंने कितना पढ़ाया? दो। कौन कौन से एंटीजन? एक ए पढ़ाया, दूसरा बी पढ़ाया। तो आर एच एंटीजन कहते हैं, या इसी को हम लोग आर एच फैक्टर कहते हैं। ये देखिए आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एंटीजन लिखा हुआ है। एक नया एंटीजन फिर से मार्केट में आया। कौन लाया मार्केट में? ये देखिए, इनका नाम मैंने भी पहले आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इनका नाम तो आपने पढ़ा ही है, एंड फिलिप वीनर। ये दो साइंटिस्ट हैं एंड फिलिप वीनर, इन लोगों ने एक नया एंटीजन फिर से मार्केट में लॉन्च किया। फिलिप वीनर डिस्कवर्ड आर एच एंटीजन, डिस्कवर्ड आर एच एंटीजन। तो अभी तक आप कितने एंटीजन्स जानते थे? बोलिए सर, दो तरह के एंटीजन्स जानते थे। कौन कौन से एंटीजन्स जानते थे? ए और बी जानते थे। अब नया एंटीजन कौन सा आया? आर एच आया। आर एच क्यों कहा गया? यहाँ आर एच का मतलब रीसस मंकी से है। किस मंकी से है? रीसस मंकी,
रिसेस मंकी का आरएच टर्म जो है ये एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप आरएच एंटीजन देखें तो ये आरएच एंटीजन दो जगह पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? एक तो पाया जाता है ये रिसेस मंकी में, मकाका रिसेस मंकी में पाया जाता है, रिसेस मंकी में पाया जाता है, और दूसरा ह्यूमन में पाया जाता है, मनुष्य में। तो इनमें कहाँ पर पाया जाता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अरे सर अभी आप 10 बार बता चुके हैं, सरफेस ऑफ आरबीसी पे पाया जाता है। तो जिस आरबीसी की सरफेस पे है ये एंटीजन उसे हम लोग आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिसकी सरफेस पे ये नहीं है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे कोई पूछे कोई आरएच पॉजिटिव क्या है, तो आरएच पॉजिटिव मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ आरएच पॉजिटिव? मतलब आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, आरएच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अगर सरफेस ऑफ आरबीसी किसी व्यक्ति के आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन है तो उसे हम लोग आरएच पॉजिटिव कहते हैं। दूसरा देखिए आरएच निगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? आरएच एंटीजन इज एब्सेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। मैं पूरी बात लिख रहा हूं, ये दोनों पहली बात अगर आपके दिमाग में किसी तरह से घुस जाए कि ये आरएच एंटीजन ए और बी की तरह ही एक एंटीजन है तो आप कभी भी गलती करेंगे ही नहीं। इस आधार पर अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप अब होते हैं 8 तरह के। आरएच फैक्टर के अगर आप आधार पर देखें तो ब्लड ग्रुप हो गए 8 तरह के। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एंटीजन का टेबल ये वाला है, बोलिए यहाँ सर ये एंटीजन का टेबल है, तो क्या इस आरबीसी सरफेस पे कहीं आरएच फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जितने हैं आरएच पॉजिटिव है, आरएच निगेटिव है। आप बोलेंगे सर ये आरएच निगेटिव है, कॉमन सेंस की बात है, तो आप लिख सकते हैं कि सर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ आरएच एंटीजन, अगर आरएच एंटीजन के आधार पर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप हो गया कितने तरह का? 8 तरीके का। ये देखिए एट टाइप्स का ब्लड ग्रुप हो गया। ये देखिए तो एट टाइप्स का कौन सा हो गया? सबसे पहले आप लिखेंगे ए निगेटिव, फिर लिखेंगे बी निगेटिव, फिर लिखेंगे ए बी निगेटिव, फिर लिखेंगे ओ निगेटिव। मैं अगर आपसे पूछूं ये सब क्या है, आप कहेंगे सर ब्लड ग्रुप है, इनमें निगेटिव का सेंस क्या है? यहाँ निगेटिव का सेंस इन आरबीसी के, इनकी आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर नहीं है, यही मतलब हुआ। फिर समझ लें ये 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ, ये क्या है? ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं? एंटीजन के आधार पर। क्या इन ब्लड ग्रुप की सरफेस पर आरएच एंटीजन है? नहीं है, ये यही तो है जो दिख रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं इसके पास कौन सा एंटीजन है, आप कहेंगे ए है, इसके पास क्या है? बी है। इसके पास क्या है? कोई एंटीजन, दोनों एंटीजन है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। इस तरह से ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए। दूसरा आधार देखिए, अगर किसी ने कहा ए पॉजिटिव, तो यहाँ ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ए पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसके पास पहले से ऑलरेडी ए एंटीजन था, अब इसके पास एक नया एंटीजन आ गया जिसका नाम आरएच है। तो टोटल एंटीजन कितने हो गए? 2। कौन कौन से? ए और आरएच। ऐसे अगर हमने कहा बी पॉजिटिव, तो इसके बी पॉजिटिव का सेंस क्या हुआ? वहां देखिए बी की सरफेस से कौन सा एंटीजन है? बी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कौन सा एंटीजन है? आरएच। तो इस तरह से इसके पास टोटल एंटीजन हो गए 2। कौन कौन से? बी और आरएच। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखे ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव, अब आप बताइए ए बी निगेटिव में कितने एंटीजन है? 2 ए और बी। ए बी पॉजिटिव में कितने एंटीजन हो गए? बोलिए 3। कौन कौन से ए बी पॉजिटिव हो गए? ए है, बी है और आरएच है, 3 एंटीजन है। तो इसका मतलब ए बी और आर एच है, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी? कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ए बी निगेटिव के पास, तो आप कहेंगे सर ए है, बी है, ये दो एंटीजन है, तो क्या इसके ब्लड में एंटीबॉडी? जी हाँ। कौन सी एंटीबॉडी? आर एच एंटीबॉडी है, क्योंकि इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है इसलिए आर एच एंटीबॉडी है, इसके पास आर एच एंटीजन इसलिए आर एच एंटीबॉडी नहीं है। भाई जिसके पास एंटीजन नहीं है सबके पास आरएच एंटीबॉडी है, लेकिन जिनके पास आरएच एंटीजन के पास आरएच एंटीबॉडी नहीं है। इस तरह से लास्ट देखिए आप ओ पॉजिटिव, तो आप बताइए ओ पॉजिटिव का सेंस क्या हुआ? इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? आरएच एंटीजन है, तो क्या इसके ब्लड के प्लाज्मा में आरएच एंटीबॉडी नहीं है? इसके पास कोई एंटीजन है? जी है, एक भी एंटीजन नहीं है, क्योंकि आपने ओ निगेटिव लिखा है। ओ निगेटिव पास कोई एंटीजन नहीं है, ए बी प्लस के पास सारे एंटीजन है। जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो सारी एंटीबॉडी है।
मैंने क्या कहा, इसके पास जब कोई एंटीजन नहीं तो इसके पास सारे एंटीबॉडी है। कौन कौन सी एंटीबॉडी है? ए बी और आर एच एंटीबॉडी है। इसके पास तीनों एंटीजन है, कौन कौन से? ए बी और आर एच, इसलिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। इस तरह से अगर आप देखें कि इन आठों ब्लड ग्रुप में, इन आठों ब्लड ग्रुप में अगर देखें तो ओ निगेटिव के पास, ये जो ओ निगेटिव है, इस ओ निगेटिव पास इट हैज नो एंटीजन्स, इट हैज नो एंटीजन्स, इसके पास कोई एंटीजन्स नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ निगेटिव क्या है? ये यूनिवर्सल डोनर है। फिर समझ लें, ओ निगेटिव मतलब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। जब इसके पास कोई एंटीजन नहीं तो तीनों एंटीबॉडी है, कौन कौन तीन एंटीबॉडी है? ए है, बी है और आर एच है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। दूसरा देखिए एबी प्लस, अगर आप एबी प्लस को देखें तो इसके पास क्या लिखेंगे? इट हैज ऑल एंटीजन्स, ऑल, इट हैज ऑल एंटीजन्स। एबी प्लस को अगर आप देख रहे हैं, एबी प्लस के पास अगर आप देखें तो इसके पास इट हैज ऑल एंटीजन्स, इट हैज ऑल एंटीजन्स बट नो एंटीबॉडी, बट नो एंटीबॉडी। इसके पास सारे एंटीजन्स हैं, कौन कौन से एंटीजन्स हैं? अगर आप लिखना चाहें लिख ले, ए है, बी है और आर एच है, लेकिन इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इन तीनों के अगेंस्ट। तीन एंटीजन्स है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए एबी प्लस को अगर आप एबी प्लस को देखें तो इसे हम लोग यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कह सकते हैं। ये देखिए, तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो क्या ओ निगेटिव का ब्लड ओ प्लस को चाहा जा सकता है? चाहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है। इसके पास आर एच एंटीबॉडी है, ठीक, इसके पास आर एच एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि इसके पास आर एच एंटीजन है। इसके पास एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीजन है, तो आराम से आप इसको चाह सकते हैं। लेकिन ओ प्लस को ओ निगेटिव को नहीं चाह सकते, मतलब माइनस प्लस को नहीं चाह सकते, ये स्थिति है इस आर एच फैक्टर कारण। तो ये एक तीसरा तरह का, थर्ड टाइप का एंटीजन है, तीसरा टाइप का एंटीजन है। इसके आधार पर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं। ये देखिए थर्ड टाइप का एंटीजन, जिसके आधार पर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं। तो अब आपको ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो गए? अब ब्लड ग्रुप हो गया आठ तरह का, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, मतलब इनके पास आर एच एंटीजन नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जब एंटीजन नहीं तो इनके सबके पास आर एच एंटीबॉडी है। ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, इनके पास आर एच एंटीजन है तो इसके पास आर एच एंटीबॉडी नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट आर एच एंटीजन का। मैं इसे इसको बगल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले दो एंटीजन पढ़ रखे हैं। कौन कौन से एंटीजन पढ़ रखे थे? एक एंटीजन आपने पढ़ रखा था पहले, एक एंटीजन आपने पढ़ रखा था ए, फिर दूसरा पढ़ रखा था बी, और तीसरा नया एंटीजन आ गया जिसका नाम आर एच है। ये देखिए, ये तीनों एंटीजन ब्लड के आरबीसी की सरफेस पर पड़े होते हैं। अगर आर एच सरफेस पे है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, आर एच सरफेस पे नहीं है तो उसे निगेटिव कहेंगे। आइए अब हम लोग ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस देखते हैं कि कौन से जीन्स हैं, कैसे ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम तय करते हैं कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप ये है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ये होगा। आइए देखा जाए तो अगर आप इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप देखें तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप किसने एक्सप्लेन किया था? अगर आप देखें तो ये साइंटिस्ट है जिनका नाम बर्नस्टीन है, बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हेलिक्स, बर्नस्टीन एंड हेलिक्स एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इन लोगों ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, कैसे ब्लड जो ग्रुप जो है बच्चे से, माँ बाप से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है। आइए देखा जाए तो सबसे पहले आपको मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको हिस्ट्री की प्रॉब्लम न रहे, कोई आपसे पूछे किसने ब्लड ग्रुप को एक्सप्लेन किया था, आप बता दें। दूसरी बात लिखे, एक लाइन और लिखे फिर देखते हैं। ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ ये देखिए मल्टीपल एलिज्म। अब आप मल्टीपल एलिज्म समझें, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीपल एलिज्म क्या है। इसमें मल्टीपल माने मेनी हुआ, एलिलिज्म माने एलील हुआ, एलील या एलिलोमार्फ। ये जो ब्लड ग्रुप का जीन है, ब्लड ग्रुप का जो जीन है
ब्लड ग्रुप का जो जीन है, ये जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 9 की 60R पे है, क्रोमोसोम नंबर 9 के 60R पे है। मतलब एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं, एक आर्म को पी आर्म कहते हैं, दूसरी को क्यू आर्म कहते हैं। उसकी पी आर्म पर ये क्रोमोसोम, इसका जीन पड़ा हुआ है। इसके जीन को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आई का मतलब आइसो हीमो ग्लूटूनिन है, आइसो हीमो ग्लूटूनिन है। लेकिन उस समय के साइंटिस्टों ने इसे आई न कह के एल से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो लैंटिस्टिनर की मेमोरी में ऐसे इन लोगों ने कहा था। पहले लोग इसे एल से रिप्रेजेंट कर, आई से रिप्रेजेंट करते, पहले एल से करते थे, बाद में लोगों ने इसे आई से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें तो किसी भी जीन के दो एलील होते हैं, ये आई जीन है, ये आई जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 60R में पड़ा हुआ है। किसी भी जीन के जनरली दो एलील होते हैं, लेकिन इस जीन के तीन एलील हैं। अगर आप देखें तो इसके एलील जो है तीन हैं। पहला एलील है जिसे आई ए कहते हैं, दूसरा एलील है जिसे आई बी कहते हैं, तीसरा एलील है जिसे आई नॉट कहते हैं। जीन एक है, एलील उसके तीन है, एक जीन के तीन एलील है, जबकि जनरली एक जीन के दो एलील होते हैं। तो अगर तीन एलील हैं, एलील तीन हैं, तो आपको इसमें एक बात और लिखना पड़ेगा कि इन तीनों एलील्स में, तीनों एलील्स में देखिए आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी आर, आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट ओवर ओवर आई नॉट। मतलब आई ए और आई बी जो है वो आई नॉट के ऊपर डोमिनेंट है। तो इसमें अगर आप एलील की संख्या देखें, तीन है, एलील को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यन से। तो एक जीन के तीन एलील हैं। जीन का नाम क्या है? आई, क्रोमोसोम नंबर 9 की 60R पड़ा है, इसके तीन एलील हैं, आई ए आई बी आई नॉट, और ये तीनों एलील्स जो है यन बराबर थी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इसका देखें कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना आएगा, ये देखिए जेनेटिक्स है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया शब्द है। नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का फार्मूला है कि अगर आप देखें तो एन बाई टू, एन बाई टू, एन प्लस वन। यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ एलील है। ये देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एन की संख्या कितनी है, ब्लड ग्रुप के लिए एन की संख्या तीन है, 3/2, 3+1। इस तरह से आप देखेंगे तो जीनोटाइप टोटल आएंगे 6। कैसे आए? एलील की संख्या 3 है, फार्मूला है n by 2 n plus 1, जहां पर n एलील की संख्या है। इस तरह से अगर आप देखें तो इसके जीनोटाइप 6 कौन कौन से पॉसिबल हैं। अगर आप इसके जीनोटाइप 6 देखते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन है आई ए और आई ए, दूसरा कॉम्बिनेशन है आई ए और आई नॉट। ये देखिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसमें देखें आई ए और आई ए होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों सिमिलर एलील हैं, लेकिन आई ए और आई नॉट हेटरोजाइगस हैं, क्योंकि डिसिमिलर एलील हैं। इसी तरह से अगर आप बी ब्लड ग्रुप देखें तो बी ब्लड ग्रुप को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप देखें, एक केस हो सकता है आई बी और आई बी, और दूसरा केस हो सकता है आई बी और आई नॉट। ये दोनों बी ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा देखिए, अगर आप तीसरा ब्लड ग्रुप देखते हैं तो ये है आई ए और आई बी, ये रिप्रेजेंट करता है ए बी ब्लड ग्रुप को, और ओ ब्लड ग्रुप केवल एक केस में हो सकता है, आई नॉट और आई नॉट के केस में। ये देखिए, ये 6 तरह के जीनोटाइप हैं, 6 तरह के जीनोटाइप हैं, और ये 4 तरह के फिनोटाइप हैं। 6 तरह के जीनोटाइप हैं, 4 तरह के फिनोटाइप है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जीन एक है, एलील तीन है, जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप 4 है। जीनोटाइप कितने हैं? 6 है, फिनोटाइप कितने हैं? 4 है। अब इसमें अगर आप देखिए तो ये आई नॉट और आई नॉट डोमिनेंस का केस है। डोमिनेंस का केस क्यों है, क्यों केस है? क्योंकि आई ए आई नॉट के ऊपर डोमिनेंट है। आई बी और आई नॉट ये भी डोमिनेंस का केस है, क्योंकि आई बी आई नॉट के ऊपर डोमिनेंट है, वो दिख नहीं रहा है। और आई ए और आई बी का जो केस है ये को डोमिनेंस का केस है,
क्योंकि इसमें ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है। तो अब अगर आप जेनेटिक्स देखें तो ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स देखें तो ब्लड ग्रुप में अब टोटल फिनोमिना कितनी हो गई, एक फिनोमिना हो गई जिसे हमने कहा क्या कहा मल्टीपल एलिज्म, दूसरा हो गया केस डोमिनेंस का और तीसरा केस हो गया किसका कोडोमिनेंस का। तो ब्लड ग्रुप टोटल कितनी जेनेटिक्स के फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, ब्लड ग्रुप तीन जेनेटिक्स के फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। पहला एक्सप्लेन करता है कि ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है, मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है पहला हो गया। दूसरा ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ये दूसरा हो गया कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और तीसरा जो है ये डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये देखिए डोमिनेंस का एग्जांपल है। इस तरह से अगर आप देखें तो ब्लड ग्रुप में तीन तरह के एग्जांपल्स फिनोमिना एक्सप्लेन करता है, मल्टीपलिज्म का, कोडोमिनेंस का और डोमिनेंस का। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के फार्मूले हैं। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप के चार तरह के ब्लड ग्रुप है, छह तरह के जीनोटाइप है, तीन तरह के लीन है और एक जीन है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ इफ मदर इज एबी ब्लड ग्रुप, मदर का एबी ब्लड ग्रुप है, इफ मदर इज एबी ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्वेश्चन है ये देखिए, शायद आपको इसी क्वेश्चन से क्लियर होगी बातें। एक मदर है ए बी ब्लड ग्रुप एंड फादर इज हैज ओ ब्लड ग्रुप, फादर के पास ओ ब्लड ग्रुप है, ये देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग्स, व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये देखिए ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कैसे करेंगे, आपने कहा सर फादर जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है, तो फादर अगर ए बी ब्लड ग्रुप को है तो ए बी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह के जीनोटाइप से अगर आपको याद हो, आई ए से और आई बी से, यही है भाई। और अगर आपकी मदर जो है ओ ब्लड ग्रुप की है, मदर जो है ओ ब्लड ग्रुप की है, तो ओ ब्लड ग्रुप का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ का मतलब हुआ आई नॉट और आई नॉट, ये ब्लड ग्रुप हो गए। अब अगर आप इससे देखें तो इससे तरह के दो तरह के गैमिट्स बनेंगे, इससे दो तरह के गैमिट्स बनेंगे आई ए और आई बी, इससे एक ही तरह गैमिट्स बनेगा आई नॉट, क्योंकि ये सिमिलर एलील्स है, ये डिसिमिलर एलील्स है। और अगर आप बेटा देखें तो इससे ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, इससे एक संतानें होंगी आई ए आई नॉट, दूसरी संतानें होंगी आई बी और आई नॉट। इनकी जो संतानें होंगी एक होगी ए ब्लड ग्रुप की, एक होगी ए ब्लड ग्रुप की, दूसरी होगी बी ब्लड ग्रुप की, ये है कॉम्बिनेशन। ऐसे आप तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आप इसे क्रॉस बना बना के चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन किस ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट पोर्टल में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे। क्लास ट्वेल्थ में ये चीज आपको क्लास ट्वेल्थ में जेनेटिक्स में मिल जाएगी, मतलब जब क्लास ट्वेल्थ आप अभी तो आप इलेवेंथ में हैं, लेकिन अगर आप क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी उठाएं तो आपको क्लास ट्वेल्थ की जेनेटिक्स में ये टॉपिक मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, जेनेटिक्स वाला टॉपिक मिल जाएगा, जेनेटिक्स में।